डॉक्टर आभा गुप्ता जी जो होम्योपैथिक से हैं, हम जानकारी लेना चाहेंगे होम्योपैथिक के उस समस्याओं के निदान के बारे में कि इनका जो होम्योपैथी का जो इलाज है वो कहाँ तक चलता है, इस उपचार के अंदर क्या क्या सावधानियाँ बरती जाती है और इस उपचार की जो अवधि होती है वो कहाँ तक होती है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर आभा गुप्ता। मैम बताइए, होम्योपैथिक जो आप जो उपचार करते हैं उसमें के अंदर कितने ड्यूरेशन के अंदर इस समस्या का निदान हो जाता है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पहले क्या होता था, सबको होम्योपैथी का ऐसा लगता था बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, एकदम लोग है ना बहुत लंबे समय तक लेना पड़ेगा। अभी वैसा नहीं है, इवन एक एक दिन में 10 सेकंड के अंदर हम लोग पेशेंट्स को बहुत जल्दी इलाज रिलीफ दे सकते हैं। पेन किलर की तरह हमारी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ही बढ़िया रुझान होम्योपैथी की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी हम जितने भी खांसी जुकाम फीवर इवन 104 फीवर जैसे पेशेंट को भी हम बहुत जल्दी उनको रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो मिथ हटाएँ कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है, बहुत अगर ऐसा होगा तो दस्त वाला मरीज 4 दिन तक थोड़ी ना सफ़र करेगा, तो वो चीज़ है। तो पहले ये मैं और सभी तरह के हेड सर से लेकर पैर तक और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आजकल जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं उन पे होम्योपैथी का बहुत ज़बरदस्त रोल है। हम रोज़ कैंसर पेशेंट्स, हर तरह आपके गेहूं की एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं, जनरल एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं जो बहुत लंबे समय तक भी परेशान हो रहे हैं, दूसरी विधाओं से परेशान होकर भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और ये मुझे खुद को लगता है कि मैं उन्हें बहुत जल्दी निजात उनको देने में मदद होम्योपैथी उन्हें बहुत मददगार। मैं बात करता हूँ इंटरनल केयर फाउंडेशन हॉस्पिटल जो आज यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। सर जानना चाहूँगा किस प्रकार की सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करवा रहे हैं? सर बीपी शुगर सबका नॉर्मल चेकअप और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ लॉयन क्लब को जो कि मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फ्री में सबका चेकअप किया जा रहा है और फ्री में मेडिसिन भी वो सबको प्रोवाइड की जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय में आपकी भावी योजनाएं क्या हो सकती है और क्या उद्देश्य लेकर काम कर सकते हैं? सर सभी का हेल्थ चेकअप अच्छे से और सभी को यही चाहते हैं कि सर आगे भी हम ऐसी सेवाएं देते हैं। सेवा भावना के उद्देश्य को लेकर काम कर रही इंटरनल केयर फाउंडेशन हॉस्पिटल। इसी के साथ में कैमरामैन गौरव सिंह जादौन के साथ में NBC News 24 जयपुर।